हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ब्रेड का गुलाब जामुन बनाएंगे। देख लेते हैं इसका सामग्री। ब्रेड ले लेंगे, दूध, रिफाइन ऑयल, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, घी, चीनी, एक मिक्सी जार ले लेंगे। इसमें ये ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में हम तोड़ लेंगे, तोड़कर और ग्राइंड। देखिए, मिक्सी में हम पीस लिए और ग्राइंड इतना अच्छे से कर लिए, महीन बारीक कर लिए। अब गैस को हम जला लेते हैं। इसमें चीनी डालेंगे, पहले इसका पाक बना लेते हैं। जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा उस कटोरी से हाफ पानी डाल लीजिएगा। इसको हम पका लेंगे। देखिए, चीनी का चाशनी बन गई। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम, कढ़ाई को गर्म करेंगे। उसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद उसमें घी मेल्ट हो जाने पर इसमें हम अब दूध डालेंगे। और अच्छे से हम इसको आधा होने तक पकाएंगे। देखिए, दूध खोल के अच्छे से आधा हो गई। इसमें हम मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। आराम से 2 मिनट पकाएंगे इसको। देखिए, 2 मिनट हो गई। गैस के फ्लेम हम थोड़ा लो कर लेंगे और पिसा हुआ ये ब्रेड के क्रम्स धीरे धीरे इसमें डालेंगे। अब चला लेंगे अच्छे से हम इसको चला लेंगे। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा। देखिए, हो गया है ये। अब हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। एक चौड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको निकाल लेंगे। ठंडा होने तक इसको ठंडा सने लगा। देखिए, अब इसमें हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। ऐसे हथेलियों से मिला लेंगे इसको। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। हमने तो ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। एकदम आटे की तरह हो गई है। हम इसको लोई बना लेते हैं। ऐसे दोनों हाथ से से हम सारे को लोई बना लेते हैं। देखिए, सारे लोई हम इसका गोला बना लिए। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और गैस जला लेंगे। कढ़ाई को गर्म होने दे रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, रिफाइन ऑयल। एक चम्मच घी डाल देंगे ताकि अच्छा टेस्ट लगे। और तेल को गर्म होने देते हैं। एक बार में जितना आए उतना ही डालेंगे।
सारे गुलाब जामुन हमने तल लिए हैं। गैस का फ्लेम हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए सारे हम गुलाब जामुन रस में डाल दिए चाशनी में, और 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे ढककर। बनकर तैयार हो गया है, देख लीजिए फ्रेंड्स। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तक लिए नमस्कार।